हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पहले बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की कि कार्डियक आउटपुट बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर रहा है, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, तो जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितना ब्लड एक मिनट के अंदर पंप कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये जनरली होता है 5 से 6 लीटर। अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि ईच बीट के अंदर, यानी कि एक बीट के अंदर कितना ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा, और ये होता है जनरली 60 से लेकर 80 ml तक का। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो आपको मिल जाएगा कार्डिक आउटपुट। हार्ट रेट क्या होता है कि एक मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, यानी कितनी बार धड़क रहा है, उसी को हम बोलते हैं हार्ट रेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और हार्ट रेट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Physio Talk.